हेलो क्लास 9। ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर मोशन के ग्राफ्स आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। जी हाँ, ये जो 8 ग्राफ्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बस इन्हीं को आपने ध्यान में रखना है और आप ग्राफ से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे और उससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली कर पाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यही 8 ग्राफ्स हैं जिनको आपको ठीक से समझने की और याद करने की जरूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम, इसमें जो स्लोप होता है वो हमेशा आपको देता है स्पीड। ये वाला ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वहीं ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब डिस्टेंस टाइम में ही एक इस तरीके का ग्राफ होता है जिसमें बॉडी रेस्ट पर होती है। तो अगर स्लोप इस तरीके की लाइन है तो इसका मतलब है कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, मतलब टाइम तो बीतता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस हर बार सेम है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर बॉडी बीइंग एट रेस्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने 3 ग्राफ्स को माइंड में रखना है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड बॉडी एट रेस्ट, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब आप देखते हैं स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो ये जो स्लोप है ये हमेशा आपको बताता है एक्सेलरेशन, ये हमेशा आपको देगा एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ हो जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और वहीं ये वाला हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी ग्राफ जैसा दिखता है ये वाला ग्राफ, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर ये जो स्लोप है ये थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर जब इनिशियल स्पीड 0 ना होकर कुछ और है। वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम में एक और ग्राफ आपको करना है, ये वाला, जिसमें हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मतलब टाइम तो बीतता जा रहा है लेकिन बॉडी सेम स्पीड से ही मूव कर रही है। सो दिस इज व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट व्हेन बॉडी एट रेस्ट उसमें भी ग्राफ काफी सिमिलर होता है, लेकिन यहां पर आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, यहां है डिस्टेंस टाइम और यहां है स्पीड टाइम। टाइम बीतता जा रहा है लेकिन बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो ये कांस्टेंट स्पीड है, और यहां पर टाइम बीतता जा रहा है लेकिन बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड हर बार सेम है, इसका मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कई न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि आपसे ग्राफिकली ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, आपको वेलोसिटी और टाइम या स्पीड और टाइम दिया है और आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने। तो ऐसे केस में स्लोप, दिस इज द स्लोप, स्लोप के नीचे का जितना भी एरिया होता है वो आपको देता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि ए से बी पॉइंट तक जाने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप ए और बी के बीच में ये जो आप उसके नीचे का एरिया देख रहे हैं उसको कैलकुलेट करके आप बताएंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है। इस हिस्से का, मतलब ए बी डी ई का एरिया अगर आपको निकालना है, ए बी ई डी ए इसका एरिया अगर आपको निकालना है, तो आप देखते हैं कि ये भी ए बी सी
ट्राइंगल प्लस ए सी ई बी रेक्टेंगल से मिलकर बना है। तो इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करके जब आप एड अप कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। इसी तरीके से इस ग्राफ में भी अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस बॉडी ने इस पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक कितना कवर किया था, तो ये जो स्लोप है इसके नीचे का जितना भी ये एरिया है वो आपको देगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। हो गया ना कितना आसान? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।